आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान। कहा भगवान वर्णन करे, ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है सुगंधा। संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही है, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं उससे तीन हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है, पशुपति व्रत में दो हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग, नरसिंह पुराण का आता है।